उपायुक्त हरकेश मीणा की अध्यक्षता में हमीर भवन में साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इसमें नगर परिषद क्षेत्र में सफाई व्यवस्था सुदृढ़ बनाने सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। हरकेश मीणा ने कहा कि हमीरपुर शहर में घर घर से कूड़ा एकत्रीकरण की योजना में लोगों का सहयोग सबसे महत्वपूर्ण है। नगर परिषद अधिकारी सुनिश्चित करें कि कूड़ा एकत्रीकरण व निस्तारण में किसी तरह का व्यवधान न हो। उपायुक्त हरकेश मीणा की अध्यक्षता में हमीर भवन में साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इसमें नगर परिषद क्षेत्र में सफाई व्यवस्था सुदृढ़ बनाने सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। हरकेश मीणा ने कहा कि हमीरपुर शहर में घर घर से कूड़ा एकत्रीकरण की योजना में लोगों का सहयोग सबसे महत्वपूर्ण है। नगर परिषद अधिकारी सुनिश्चित करें कि कूड़ा एकत्रीकरण व निस्तारण में किसी भी तरह का व्यवधान न हो। व्यावसायिक परिसरों से कूड़ा कचरा एकत्र करने के लिए 10 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। शहर में भारी मात्रा में कूड़ा कचरा पैदा करने वाले संस्थानों व परिसरों की पहचान कर इसके निस्तारण का भी उचित व्यवस्था की गई है। उन्होंने आग्रह किया कि नगर परिषद अपने आय व व्यय के अंतर को कम करने तथा आय में बढ़ोतरी के लिए नई कार्य योजनाएं बनाए और इसके क्रियान्वयन के लिए ठोस कदम उठाए। उन्होंने नगर परिषद को निर्देश दिए कि हमीरपुर बस अड्डे के समीप बनी दुकानों के आवंटन इत्यादि के बारे में 2 दिनों के भीतर ब्यौरा प्रस्तुत करें और सड़कों पर अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई अमल में लाने के लिए शीघ्र कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग से आग्रह किए कि बस अड्डे से बोटा चौक तक सड़क किनारे चैम्बर इत्यादि का कार्य 1 सप्ताह में पूरा करें ताकि वहाँ टायरिंग का कार्य प्रारंभ किया जाए। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में आवासहीन लोगों को भूमि उपलब्ध करवाने के लिए भी ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इसके लिए राजस्व विभाग द्वारा परिषद के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। पात्र लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गृह निर्माण हेतु सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने उपमंडलाधिकारी हमीरपुर से आग्रह किया कि वे स्वयं इसकी समीक्षा करें और पात्र परिवारों की पहचान तथा भूमि की उपलब्धता इत्यादि के बारे में जानकारी दें। बैठक में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन, महिला पुलिस थाना परिसर, ग्रामीण सब्जी उत्पादकों के लिए बिक्री स्थल, शहर में सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने, दुग्ध उत्पादकों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर सहायक आयुक्त राजकिशन, उपमंडलाधिकारी डॉक्टर चिरंजी लाल, पुलिस उप अधीक्षक रेणु शर्मा सहित विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारी उपस्थित थे।